मेरे तमाम व्यूअर्स को आज के चिली एंड गार्लिक के नए वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी भी खाई होगी और कटहल का नाम भी सुना होगा, और ये बहुत पसंद की जाती है सब्ज़ी, और इसे मीट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी खाया जाता है। आज मैं बना रही हूँ अपने स्टाइल में, हो सकता है आपको पसंद आए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये हमने लिया है 500 ग्राम कटहल। कटहल को छीलना थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए जब भी आप छीलें तो सरसों का तेल हाथ पर लगाएं और फिर इसे छीलें, तो आसानी के साथ आप छील सकते हैं। इसके साथ हमने लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 बड़ी प्याज ग्राइंड की हुई, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून हमने खड़ी मेथी ली है, ये मेथी दाना जो कहा जाता है। पैन में ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल लिया है हमने 1/4 कप। अब इसमें कटहल के पीसेस को फ्राई करेंगे हम। कटहल को चारों तरफ से हम फ्राई करेंगे और इसे स्पून से चलाते हुए फ्राई करते रहेंगे, और ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से जल ना जाए। लगभग 5 से 7 मिनट हमने कटहल को फ्राई किया और ये इस तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। लगभग 1/4 कप ऑयल इसी पैन में हमने लिया दोबारा, और अब हम ये प्याज का पेस्ट डाल देंगे इसमें। और इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, लगभग इसे 5 मिनट हमने फ्राई किया। अब हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना और 1 मिनट इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसे भी 1 से 2 मिनट भूनेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट हो चुके हैं लहसुन अदरक को भूनते हुए। अब हम ये सारे पाउडर्ड मसाले इसमें डाल देंगे। इन्हें अच्छी तरह मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। ज़्यादातर लोग सरसों के तेल में ये सब्ज़ियाँ बनाते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया, तो आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। 1/4 कप पानी डालेंगे और लो फ्लेम पर इसे 15 मिनट पकाएंगे ढककर। 15 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए और बेहतरीन दानेदार मसाला तैयार हो चुका है। इसमें 2 टेबलस्पून हमने ऑयल और ऐड किया है, और अब इसमें हम डाल देंगे कटहल। मसाले के साथ अच्छी तरह मिलाएंगे। आधा कप पानी डालेंगे और इसे 20 मिनट ढककर पकाएंगे हम। कटहल गल चुका है,
देखें कितना अच्छा भुना है और गल भी गया। अब इसे हम डिश आउट करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। इसके ऊपर भी गरम मसाला डालेंगे लगभग आधा टीस्पून। कटहल की सब्जी तैयार हो चुकी है, बहुत मज़े की बनी है। अगर आपको भी ये मज़ा लेना है तो इस रेसिपी को ट्राई करना होगा, और जब भी ट्राई करें मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।